ऑटो वाले हैं वो लोग बहुत कम ही इधर लेके आते हैं। रातमोना के नाम पे बहुत सारा अफवाह है। श्री राम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के वीडियो में हम लोग चलेंगे टुमान डोंगरी। टुमान डोंगरी में एक जगह है रातमोना, जो कि रातमोना बहुत फेमस जगह था पहले, अभी भी बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ लेके। तो चलते हैं रातमोना। एक्चुअली रातमोना नदी के दूसरे पार में रातमोना एक रेस्टोरेंट खुली है, तो सबको जितना भी टूरिस्ट यहाँ घूमने आता है सबको रातमोना ही दिखा के रातमोना जगह बता देता है, लेकिन ओरिजिनल में रातमोना वो नहीं है। तो आज का वीडियो में आप लोग लेके चलेंगे जो ओरिजिनल में रातमोना जगह है उस जगह पे, चल के एक बार वहाँ का आप लोग देखिएगा कैसा क्या है। और मेरा घर से करीब वही 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो चलते हैं निकलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम लोग चारबत्ती पहुँच गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये रास्ता सीधा आगे जा रहा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, चलते हैं वहाँ, चल के वहाँ से फिर आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे। और ये आप हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड देख रहे हैं ये, और ये सामने भगवान बिरसा मुंडा का स्टेचू है। और ये डाउन में जो रास्ता जा रहा है ना, इधर से चलते हैं हम लोग, टुमान डोंगरी जगह है, वहीं चल के आप लोगों को दिखाते हैं रातमोना। फ्रेंड्स, यही रास्ता जो है जा रहा है टुमान डोंगरी, चलते हैं आगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम लोग रातमोना पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं एकदम पूरा टॉप पे हम यहाँ खड़े आके, ये रास्ता है आने के लिए। टेम्पो वेम्पू से अगर आएगा कोई, अगर 4-व्हीलर से अगर आ रहा है तो पीछे ही लगाना पड़ेगा गाड़ी, वहाँ से फिर पैदल आना पड़ेगा। ये रास्ता है, कच्चा रास्ता है आने के लिए, और यही है असली जिसको रातमोना बोलते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं उस साइड में रातमोना इन एक रेस्टोरेंट है, होटल भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अपना बाइक स्टैंड कर दिए हैं, अब चलते हैं नीचे। आज आप लोगों को असली रातमोना क्या है ना दिखाते हैं। सब रातमोना रातमोना बोल के वो वाला जो रातमोना इन बनाया हुआ है होटल रेस्टोरेंट, उसी को दिखा देता है रातमोना यही है। लेकिन आज आप लोगों को हम रियल रातमोना दिखाएंगे जो असली में रातमोना है। चलते हैं नीचे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग अभी रातमोना पहुंच चुके हैं, और एक बार इधर से सीन देखिए। ये जो बालू बिछा हुआ दिख रहा ना, बस यहाँ पर जाने का है, लेकिन अभी पैंट पहन के हम आए हुए तो यहाँ से जा नहीं सकेंगे। ये रास्ता है, घुटना पर पानी है, उस पर जाने का जा सकते थे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। और चारों तरफ का व्यू आप लोग देखिए, ये देखिए ये वाला पहाड़ कैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा जगह है रातमोना। और फ्रेंड्स, यही है रियल रातमोना। उधर जो बनाया हुआ है एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है वो ओरिजिनल नहीं है, वहाँ से तो खड़ा होकर बता देता है कि इस पार से, कि देखो उस पार में रातमोना उसको जगह को बोलते हैं, लेकिन कोई ला के तो यहाँ दिखाता नहीं है। ऑटो वाले हैं वो लोग बहुत कम ही इधर लेके आते हैं। तो और क्या है कि अगर कोई गाड़ी में आ रहा है अपना, तो गाड़ी अपना उस साइड में स्टैंड करके आएगा, और पैदल आना पड़ेगा थोड़ा सा दूर। बाइक में अगर है तो बाइक तो हम आप लोग देखिए जहाँ बाइक लगाए हम। तो यही है। और रातमोना का इसका एक्चुअली स्टोरी यह है कि जब भी यहाँ पर पूर्णिमा होता है ना, तो पूर्णिमा का दिन जो पानी देख रहे हैं आप लोग चारों तरफ, तो जो पानी है इसमें मछली खेलता हुआ आपको दिखेगा, जो कि मन को पूरा मोहता है, इसलिए इसका नाम रातमोना है। रात का टाइम अच्छा आपको देखने मिलेगा जब भी पूर्णिमा रहता है। पूर्णिमा का दिन ही जब चांद का रोशनी पानी में जब पड़ता है ना, तो मछली खेलता हुआ इसमें आपको दिखेगा, यही रातमोना का। और रातमोना के नाम पे बहुत सारा अफवाह है, जो कि वहाँ से आदमी लोग खड़ा होकर दिखा देता है कि वो रातमोना है, उधर से आप लोगों को क्या ही दिखेगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, गाड़ी वहाँ ऊपर जो ऊपर में आपको टॉप में दिख रहा है ऊपर में, वहाँ पर बाइक लग जाएगा। अगर कोई गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी अपना उस साइड स्टैंड है, स्टैंड क्या है मैंने रास्ता है, रास्ता में आप लगा के आराम से आ सकते हैं। इधर नीचे आके एक बार ज़रूर आइए आप लोग, ज़रूर आके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। रातमोना जगह बहुत अच्छा है, काफ़ी शांत जगह है,
और टूरिस्ट प्लेस तो है, लेकिन इधर की कोई टूरिस्ट को लेके ही नहीं आता है, तो इसीलिए जगह सोच लिए। तो वीडियो एक नया वीडियो ही है, यहाँ से तो कोई वीडियो बनाया भी नहीं है, कोई वीडियो बताया भी नहीं है वीडियो में कि ये जगह रातमोहना ओरिजिनल है। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो रातमोहना करके, लेकिन सब वहाँ वो रेस्टोरेंट का बनाया हुआ है। रेस्टोरेंट है, रातमोहना नाम से है, लेकिन ओरिजिनल जो रातमोहना प्लेस है यही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या हम सही हैं, ये रातमोहना जगह है कि नहीं, जो जान रहे हैं। अब जो नहीं जानते हैं उन लोगों को हम बता दे रहे हैं कि यही ओरिजिनल रातमोहना है, इसी को रातमोहना बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल एक दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय।